एवरीवन, कैसे आप सभी फ्रेंड्स? गुड मॉर्निंग। और अभी मेरा जो है पूजा हो गया है, देख सकते हैं आप सभी। और आज है संडे, तो बच्चे लोग भी घर पे है, तो आज कोई जल्दी नहीं है लंच बनाने का। और बच्चे लोग भी थोड़ा थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिए हैं, और अभी मैं बनाने वाली हूँ लंच। और पूजा वगैरह मेरा जो हो गया है सब, और मैं आई हूँ अभी किचन में। और किचन जो है मेरा पूरा क्लीन है, देख सकते हैं आप सभी। और मैं आज बाल धोई हूँ तो सूखे नहीं है, इस वजह से भी मैं खुला रखी हूँ। और ठंड है बोल के इस वजह से भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब भी मैं जो बनाऊंगी आप सभी को दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ आज। तो मैं आप सभी के साथ बना रही हूँ लंच, तो आइए आप सभी भी एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले, आज संडे है, घर में जो बच्चे लोग रहता है तो बच्चे लोग को नॉनवेज पसंद है, तो मैं नॉनवेज तो अभी नहीं बना रही हूँ, पर बच्चे लोग मानते नहीं बोल के मैं अंडा करी बना के देने वाली हूँ बच्चे लोग को। यहाँ पे देखिए मैं मसाले वगैरह सब अरेंज कर लिए हैं फ्रेंड्स, और सब अरेंज करने के बाद ही आप सभी को दिखा रही हूँ। और सरसों का तेल जो मैं ऐड करूँगी वो, तो मैं सबसे पहले कढ़ाई को रख के गैस पे और गैस को जलाऊंगी। तो देखिए हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल और इस तरह से फैला लूँगी जो हमारा अंडा जो मैं डालूँगी, तो हमारा अंडा एक तरफ से चिपके ना। तो अंडा को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे फ्राई ज़्यादा ही पसंद है। तो आलू को भी मैं सेम तरीके से फ्राई करी हूँ, और खड़े मसाला मैं फ़ौरन के लिए लिए थे तेज़पत्ता वगैरह, तो वो सब भी ऐड कर दिए है, प्याज भी। और साथ में मैं, जैसे हमारा प्याज भून के रेडी हो जाएगा तो उसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा जो टमाटर है जल्दी से पक जाएगा इस वजह से। तो हमारा जो, जब तक फ़ौरन रेडी होता है तब तक मैं पेस्ट बना के इसमें डाल दिए है, और फिर मैं डालूँगी बेसिक मसाला जो हमारे घर में मैं यूज़ करती हूँ, तो वो भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और फिर यहाँ पे कांदा मसाला, एवरेस्ट मसाला भी ऐड करूँगी। और जैसे हमारा फ़ौरन जो हमारा जो ये मसाला है भून जाएगा अच्छी तरह से, तो मैं ऐड करूँगी आलू। और आलू को मैं देखिए 4 टुकड़ों में कट करके इस तरह से डाल रही हूँ। और इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स तो कैसा, देखने में भी अच्छा तो लगता ही है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। जब तक सब्जी पक रहा है तब तक मैं देखिए, और अपने रिकॉर्डिंग मैंने पानी ऐड करी हो, जब तक मेरा जो सब्जी पकेगा तब तक मैं टमाटर जो साइड से निकाली थी मैं, क्योंकि थोड़ी सी खराब था, ख़राब भी इतना नहीं था, ऐसा मैं ऐसा पिघलने जाता है वो इस तरह से था, तो मैं अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से काम करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होता है हमारा चेहरा, हमारा स्किन, हमारा जो बॉडी है वो भी हमेशा ग्लो करता रहता है, और काम भी हो जाता है। तो देखिए हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पे
एब्रो का भी दिखाई हूँ। और एब्रो का क्यों दिखाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है और मैं ये सब करती हूँ, एब्रो का सिलाई पार्लर का, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और छोटी मेरे पास रहती है तृप्ति मेरी बेटी, और गुंजन राज का जो रहता है तो वो तो है ही है, पर क्या होता है मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि मुझे कि जो औरतें ऐसा वीडियो बना के सेंड करता है तो उसके पास काम नहीं होता है कोई, इसलिए वो वीडियो बना के सेंड करता है। तो मैं यही बोलूँगी डियर कि कोई यूट्यूब पर जब आते हैं ना तो उसको बहुत टॉप हो जाता है काम करना और सही तरह से काम करना और अपलोड करना, और जो हम काम करते हैं वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो इस वजह से और जो यूट्यूब पर है और जो यूट्यूबर है उसको आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं और कितना टॉप होता है काम करना। और मैं तो सिर्फ काम ही नहीं करती हूँ, बच्चे को संभाल के मैं सिलाई करती हूँ और अभी पार्लर भी सीख रही हूँ, तो पार्लर भी करती हूँ। तो इस तरह से मत बोलिए डियर, कैसा होता है कि आप यूट्यूब पर नहीं है इस वजह से बोलते हैं, पर जो काम करता है तो उसको कितना रिस्क रहता है इस काम को करने के लिए। और हम सोचते हैं कि हमारे जो फ्रेंड है हमारे जो सब्सक्राइबर है उसको पसंद आना चाहिए हमारा काम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज कट करने से पहले मैं अपने हाथ को हाथों में मेहंदी लगा ली, नेल पॉलिश लगा लिए थे, और फिर मैं यहाँ पे जो ब्लाउज को कट कर रही हूँ तो 32 इंच छाती का ब्लाउज है और कमर 25 इंच का है, तो मैं ये भी आप सभी के साथ ऐड करी हूँ कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ और किस तरह से मैं काम करती हूँ। तो आज जो है मेरा संडे का पूरा रिकॉर्डिंग और पूरा मैं काम दिखाई हूँ कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। और बच्चे लोग आज नहीं आए, लाई हूँ बच्चे लोग को, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था और साथ में रिकॉर्डिंग भी था, तो इस वजह से बच्चे लोग ब्लॉग में नहीं आए हैं। तो मैं जो ब्लाउज कट करी हूँ तो मैं आप सभी को पूरा ही दिखाई हूँ, और ये अस्तर है और साड़ी का पीस मैं बाद में कट करूँगी। तो मैं किस तरह से काम करती हूँ तो मैं सारा कुछ ऐड करी हूँ, और जो मुझे बोलते हैं तो वो भी देखेंगे तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि किस तरह से मैं काम करती हूँ और किस तरह से काम करके मैं खुद को भी मेंटेनेंस रखती हूँ और मेरे बच्चे को भी। और मेरा जो ब्लॉग है आप सभी अच्छी तरह से देखिए मेरे फ्रेंड्स। तो मैं पूरा दिन बच्चों के साथ मेरा काम, मेरा यूट्यूब का काम यही सब चलता है, तो इस तरह से हमारा हो जाता है काम। और मैं खुद को और मेरे काम को और मेरे घर को अच्छी से संभालने के लिए तैयार हमेशा रहती हूँ। तो आप सभी का जो भी रिक्वेस्ट आएगा ब्लाउज के बारे में तो मैं आप सभी को ब्लाउज के ड्रेस लेडीज़ का जो है पूरा काम आता है मुझे। फिर ये कटिंग करने के बाद मैं सिलाई हूँ फ्रॉक छोटी 3 साल की लड़की की, तो मैं वो नहीं दिखा पाई क्योंकि वो मुझे अर्जेंट में कट करना पड़ा, इस वजह से भी नहीं दिखाई। तो मैं गुंजन के लिए, गुंजन भी अभी
बोल रही मम्मी मुझे भी चाहिए ऐसी ही फ्रॉक। तो जब गुंजन को जब कट करूँगी तब आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी फ्रेंड्स। तो चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप सभी सबसे।